दोस्तों ये है मेरे पास में बोट की तरफ से स्पिनेक्स 2.0, एक वायरलेस ब्लूटूथ डिवाइस जो कि बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ में आता है। अब यहाँ पे इसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि ये 6 वाट के डुअल ड्राइवर्स के साथ में आता है, तो यानी कि यहाँ पे आपको टोटल 12 वाट का आपको यहाँ पे आउटपुट सुनने को मिलता है जो कि बहुत बढ़िया साउंड प्रोड्यूस करता है। और 10 मीटर की रेंज आपको यहाँ पे मिल जाती है और साथ ही साथ में ये आता है 2000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ में, तो जिसके चलते यहाँ पे आपको जो ऑडियो का जो बैकअप है वो आपको बहुत ज्यादा मिलता है, यानी कि आपको 8 आवर्स तक का आपको यहाँ पे म्यूजिक बैकअप सुनने को मिल जाता है। और इसकी एक और अच्छी चीज़ क्या है ना कि यार ये बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है, लाइट वेट के साथ में आता है, तो आप इसको इजीली साइकिल पे या फिर आप अपने बाइक्स के ऊपर आप इसको लगा के लेके जा सकते हैं पार्टीज वगैरह के अंदर। काफ़ी बढ़िया स्पीकर ये होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं इसकी फटाफट से अनबॉक्सिंग कर देता हूँ, फिर आपको मैं इसका पूरा रिव्यू करके बताता हूँ। अब दोस्तों अगर इसके लेफ्ट साइड की बात करूं तो यार यहाँ पे आपको इसके स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं, यानी कि एक नजर डाल लेते हैं। ब्लूटूथ 4.2 के साथ में आता है, 6 वाट के आपको डुअल ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं विद डुअल पैसिव रेडिएटर, तो जिसके चलते जो साउंड है वो बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे मिलता है। 8 आवर्स का आपको यहाँ पे म्यूजिक प्लेबैक टाइम आपको मिल जाता है। 360 डिग्री स्टीरियो साउंड आपको यहाँ पे मिलता है। आप इसको साइकिल के ऊपर कैरी करके लेके जा सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे आपको ऑक्स और एसडी कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है, तो ये भी एक काफी अच्छी चीज है। IPX6 वाटर रेजिस्टेंस डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि हल्का फुल्के पानी से इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और रगेड सिलेंड्रिकल डिजाइन है दोस्तों, कैसे भी एनवायरमेंट में ये सस्टेन कर जाता है। और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे कैरिंग पाउच देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको इसकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और स्पिनेक्स 2.0 लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। ये जिस हिसाब से लगा रखा है ट्राइपॉड के ऊपर भी आप इसको यहाँ पे माउंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। चलिए इसको ओपन करते हैं फटाफट से। बॉक्स में आपको यहाँ पे कुछ बोट के बारे में बता दिया जाता है और उसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं ये सब चीजें आपको यहाँ पे बताई जाती हैं। फिर यहाँ पे इसकी आपको एक यूजर मैनुअल मिलती है। बाकी यार आपको यहाँ पे माइक्रो यूएसबी केबल का सपोर्ट मिल जाएगा जिसके चलते आप इसको यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे ऑक्स केबल भी मिल जाती है ताकि आप अपने डिवाइस को ऑक्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। ये आपको यहाँ पे डुअल पैसिव ड्राइवर्स मिल जाते हैं 6 वोल्ट के और काफी अच्छा बेस आपको यहाँ पे मिलेगा। मैं भी आपको एक फ्री सॉन्ग आपको यहाँ पे प्ले करके बताता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं टच बटन की आपसे बात करूँ तो यार आपको यहाँ पे एक पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, फिर आपको यहाँ पे एलईडी स्टेटस इंडिकेटर आपको मिल जाएगा और फिर आपको मिलता है वॉल्यूम डाउन बटन। और आप इसको प्रेस और होल्ड करके रखते हो तो आप प्रीवियस ट्रैक के ऊपर जा सकते हो। और ये जो बटन है ये आपको प्ले पॉज का मिल जाता है और ये है वॉल्यूम प्लस करने का। और साथ ही साथ में आप इसको अगर होल्ड करके रखते हो तो आप नेक्स्ट सॉन्ग के ऊपर चले जाते हो। और दोस्तों इसके चलते आप इनकमिंग कॉल्स का भी आंसर दे सकते हो। अगर आप इसको कोई इनकमिंग कॉल आता है तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आप आंसर कर सकते हैं, और अगर होल्ड करके रखते हैं तो आप इससे कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपने अगर रीडायल करना है लास्ट नंबर तो आपको इसको प्रेस करके रखना है तो जो नंबर है आपका वो रीडायल हो जाएगा, तो ये काफी अच्छी चीज है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो डिवाइस है ये काफी बढ़िया आपको यहाँ पे साउंड प्रोवाइड करता है, जो कि खास करके जो आप लोगों ने देखा कि जो 6 वाट के जो डुअल ड्राइवर्स हैं जो आपको यहाँ पे जो दोनों साइड में मिलते हैं, जिसके चलते यहाँ पे जो साउंड का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा बढ़िया बन जाता है आपका जब आप इसमें सॉन्ग्स प्ले करते हो तो। और अगर मैं बास की बात करूँ तो यार वो भी काफी काफी अच्छा आपको यहाँ पे बास का जो इफेक्ट है वो आपको मिल जाता है इस एक छोटे से ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर। तो यार ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई इसके साउंड क्वालिटी वगैरह के बारे में A1 क्वालिटी आपको मिलती है। और अब मैं आपसे बात करूं कि इसकी कनेक्टिविटी की, जब आप इसको ब्लूटूथ पे कनेक्ट करते हो अपने मोबाइल के साथ में एज ए कॉल एक्सपीरियंस की, तो वो भी काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे साउंड जो है वो प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट जो क्लियरिटी है साउंड की वो बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे सुनने को मिलती है, चाहे फिर वो सामने वाला जो कॉल कर रहा है उसकी क्लियरिटी हो या फिर जो आप बात कर रहे हो एक सिंगल स्पीकर के थ्रू जो वॉइस जा रही है आपकी वो भी बहुत बढ़िया जाती है। और यार इसके अगर कलर वेरिएंट की बात करूँ तो यार ये अवेलेबल है आपके पास में चारकोल ब्लैक के अंदर, कोबाल्ट ब्लू, अरोरा ग्रीन और ग्रेनाइट ग्रे के अंदर। IPX6 के साथ में आता है, तो यानी कि ये वाटर और डस्ट से प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हल्का फुल्का पानी गिरने से इसको इस डिवाइस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनफैक्ट डस्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो आपको साउंड है वो आपको एकदम लाजवाब प्रोवाइड करेगा।
अब बैटरी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं तो यार ये आता है 2000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी कैपेसिटी के साथ में, जो आपको 8 आवर्स तक का बैकअप दे देगी अगर आप 50% वॉल्यूम के ऊपर अगर इसको चलाते हैं तो। और चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो यार ये चार्ज हो जाता है पूरा का पूरा 3.5 आवर्स में, यानी कि 3 से 3.5 घंटे के अंदर ये जो डिवाइस है आपका पूरा चार्ज हो जाएगा। दोस्तों ये तो आप लोग भी जानते हैं कि भाई जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम को आप करते जाओगे वैसे वैसे जो है बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा होता जाएगा, लेकिन अगर आप 50% पे अगर आप इसका साउंड सुनते हो तो ये 8 आवर्स तक का बैकअप आपको प्रोवाइड कर देगा, तो जो कि एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स है इसका। और साथ साथ में दोस्तों ये आता है ट्विन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ में, यानी कि ऐसे आप दो स्पीकर को कनेक्ट करिए और जो आपको स्टीरियो साउंड मिलेगा वो बहुत ज्यादा बेस्ट साउंड आपको ये प्रोवाइड करेगा। इनफैक्ट वैसे तो यहाँ पे आपको पैसिव वूफर्स तो दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जब आप दो डिवाइस ऐसे दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर लोगे तो जो आपका जो साउंड है वो तो यार बहुत 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 बढ़िया आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू इसी बोट स्पिन 2.0 के बारे में। आपको ये डिवाइस कैसा लगा जरा कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और यार अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है कोई सुझाव है तो वो भी नीचे कमेंट करके बता दीजिए। मैं मिलता हूँ अब आपसे एक और नई वीडियो के अंदर।